हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सो गाइस, आज कोई प्रैंक नहीं है आपके लिए, क्योंकि आज ये मैडम गुस्सा है हमसे। सो आज सिर्फ इन्हें मनाना है, और आप लोग को भी सीखना है कि जब आपकी वाइफ आपसे नाराज़ हो जाए तो उसे कैसे मनाएं। सो ट्राई करता हूँ, देता हूँ अपना बेस्ट, जितना भी पता है कि वाइफ को कैसे मनाया जाता है। सो ट्राई करता हूँ, देखती है मानती है नहीं मानती। सो आज दोपहर में एक छोटी सी बात की वजह से मेरे से नाराज़ हो गई, मैं भी काफ़ी गुस्सा हो गया, जो मुझे नहीं होना चाहिए था गाइस। सो करते हैं बात। अब तो मान जाओ, वीडियो बना रहा क्यों? कैसे देख रही, मान जाओ ना प्लीज। काय बिन्नो, मान जाओ ना, नाक मत फुलाओ। देखो गाइज, नाक फुला रही है कितनी भयानक तरीके से, इतनी मत फुलाओ, नाक निकल आएगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, गाइज ऐसे मुझसे कोई बात नहीं करनी, पर मुझे तो तुमसे बात करनी, मुझे नहीं करनी ना, मुझे करनी है ना, मुझे नहीं करनी। मुझे करनी है, सुन तो लो। तो मान जाओ ना, क्या हो गया? आप सॉरी तुम बोल रहे हो माने तो मैं मान तो रहा हूँ ना। तो अब तब नहीं माना, तब मुझे थोड़ा गुस्सा था। तो गाइस, बात केवल इतनी सी थी कि इसकी फैमिली, आई मीन मम्मी पापा वगैरह सब लोग मथुरा जा रहे हैं घूमने, तो इसने बोला कि मुझे भी उनके साथ जाना है। सो गाइस, मैंने ये बोला कि एक्चुअली गाइस देखो, शादीशुदा लाइफ में थोड़ा बहुत मतलब कि टाइम निकालना पड़ता है, और तभी जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ भी एक फैमिली है, उसको संभालना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो लोग जा रहे हैं और ये बोल रहे कि मुझे भी जाना है, ठीक है गाइज? सो अब यहाँ एक ये फैमिली है, तो अब उसके बारे में भी पहले सोचना चाहिए ना, कि यहाँ से सब लोग बोले कि हाँ ठीक है चले जाओ, पर ये बोल रहे हैं नहीं मुझे तो जाना है, तो जाना है। सो इसी बात को लेकर थोड़ी सी मेरे से हम दोनों की बहस हुई कि नहीं, मैंने बोला कि नहीं तुम अभी मत जाओ और हम दोनों साथ में चलेंगे। मैंने ये भी नहीं कहा कि मतलब कि तुम नहीं जाओगे, तो मैंने ये बोला कि अभी मतलब वो लोग जा रहे हैं तो उन्हें जाने दो। सही सही कह रहा क्यों? मैंने यही तो कहा था कि अभी उन्हें जाने दो, हम चलेंगे बाद में। है। हाँ तो कुम अब है गो, तुम कब है जा रहा है? तो क्या तो हो हम गया? हमें यही तो कही थी कि दो बार चले जाए तो उल्टी हो जाए। तो गाइज ये बोल रही है कि मुझे तो वहाँ उनके साथ जाना है, फिर तुम्हारे साथ भी। तो मैंने ये बोला कि यार अभी नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि अब यार यहाँ भी मम्मी पापा हैं, तो यार अब मेरी मतलब कि मेरे मेरा छोटा भाई है, तो उसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो यही अभी मतलब कि ज़्यादातर घर संभालती है, मम्मी को और भी काम रहते हैं। सो अब मैंने अपने हिसाब से सोच के बोला था, पर इसको नहीं लगा अच्छा। सो गाइज अब ठीक है यार, अब देखो जो भी हो यार, झुकना आदमी को ही पड़ता है कि नहीं? सो गाइज मैंने सोचा क्यों ना यार, अभी मैं फिर उसके बाद हम दोनों की बहस हुई थी तो फिर मैं सो गया था, फिर सोकर उठा तो फिर मैंने सोचा यार चलो यार ठीक है यार, झुकना आदमी को ही पड़ता है, तो फिर मैंने इसको बोला ठीक है कि चले जाओ तुम। सो देखो मैंने बोल भी दिया चले जाओ, फिर भी देखो कितना गुस्सा हो रही है। बट मैंने तो ये सोच के बोला था कि यार मैं भी चलूँगा, हम दोनों साथ चलेंगे। हाँ तो तुम चलो ना, कब है हमारी मम्मी ने मना करी है कि तो तुम ना अभी जाओ? ऐसे नहीं जा सकते ना यार, कि तुम बोलोगे कि अभी चलो, अब टाइम निकालना पड़ता है, सब कुछ सोच समझ के जाना पड़ता है, तमाम चीज़ें हैं मैनेज करनी पड़ती है, कहीं घूमने जा रहे हैं है कि नहीं? अब ऐसा तो है नहीं कि भाई चलो आसपास झांसी में कोई हो तो चलो वहाँ घूमने, लेकिन बाहर जा रहे हैं तो तमाम चीज़ें हैं यार, सब कुछ मैनेज करके जाना पड़ता है, ऐसे नहीं जा सकते। हम लोग चलेंगे लेकिन कुछ टाइम बाद चलेंगे, लेकिन तुम्हें तो अब जाना है तो जाना है। चलो ठीक है भाई, अब तुम्हें जाना है तो कोई बात नहीं, पर गुस्सा मत हो, चले जाना। बताओ, अब बताओ गाइज, मैंने बोल दिया गुस्सा मत हो चले जाना, फिर भी देख लो गाइज ऐसे ऐसे भाभी को का मतलब लोगों को पहले हस्बैंड वो कर लो, और अब हस्बैंड वाइफ में ऐसे 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 झगड़े होते हैं छोटे छोटे। सो गाइज इन झगड़ों को बड़ा ना होने दें, और वाइफ की बात मान लें, इसी में सबकी भलाई है, और मेरी भी यही एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए कि हाँ अगर झुकने से रिश्ता बचता है तो उसको बचा लेना चाहिए, ठीक है गाइज? सो मैंने उसको बोल दिया आप जा सकते हो, अब आगे इसकी मर्जी है।
ये जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती है, क्योंकि इसके पास दो ऑप्शन है, ये मेरे साथ बाद में जा सकती है और अपने साथ अपने घर वालों के साथ अभी जा सकती है। अब जो इसको सही लगे, अब जो ये जो ये समझ के जाए इस घर के बारे में सोच समझ के कि हाँ यार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो सही बोल रहा हूँ इसमें, क्या ऐसे देख रही हो, इस घर में तुम्हारी जितनी जरूरत मतलब कि लोगों को जितनी ज़रूरत हमारी है। जरूरत है तो जिंदगी भर खत्म ना हुई है तो अभी तक घर ही में घुसे रहे। अच्छा तुम कभी नहीं जाते मेरे साथ बाहर घूमने? मैं तो कभी नहीं ले जाता तुम। हमारा मन नहीं होता अपने घर कन के संगे रहे अभी को। तो यार जिंदगी कितनी बड़ी ऐसा है, थोड़ी ना है कि शादी कर दी तो बिल्कुल ही हम अपने तो बम्बई को अभी बिल्कुल ही छोड़ दे। अभी हमें शादी को कितना टाइम हुआ जो तुम हाँ ऐसे बोल रहे हो कि बिल्कुल ही छोड़ दिया है, बिल्कुल उनके साथ नहीं जा सकते। गाइस अभी 1 साल हुआ है ठीक है, और ये ऐसे बोल रही है कि हम उनके साथ बिल्कुल नहीं। कितनी बड़ी ज़िंदगी है, कभी भी जा सकती है। अच्छा कल के दिन हमें जिम्मेदारी लग जाए, हमारे खुद के बच्चा हो ही है जिम्मेदारी इसलिए कल वो के हुई दिन है। नहीं, जिम्मेदारी हाँ शादी हुई थी ना तब से लग गई थी तुम्हारी, अबे लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। हमारे दिल में गाइस आएंगे वो करवे क्या लोग। मैं सब लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि देखो शादी के बाद हस्बैंड की भी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और वाइफ को भी जिम्मेदारियाँ अपनी समझनी चाहिए, बट मोस्टली लोग नहीं समझते हैं कि यार वो ये सोचते हैं जब हमारा बच्चा हो जाएगा तब हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक शादी के बाद वाइफ की जिम्मेदारियाँ एक परिवार को संभालने की होती हैं, उसे उन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना चाहिए। बट अभी इसमें बच्चापन है, कोई बात नहीं, मैं मैच्योर हूँ, मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ। तो रिश्ता हमेशा बचा के चलो, उसमें ही फ़ायदा है, उसमें ही अच्छा है, क्योंकि लोग तो मज़ा लेते हैं। अगर कोई अब जैसे ये जिद पे अड़ी है, मैं जिद पे अड़ जाऊँ तो है कि नहीं, बात का बतंगड़ा बन जाएगा। सो इससे यही सही है, समझदारी दिखाओ, मान लो और जाने दो, ठीक है चले जाओ। अरे बोल तो रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है चले जाओ। जब तुम जाओ तब वीडियो भी बना के डाल देना, दिखा देना कि हाँ गाइस जा रहे हो, ठीक है झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ओके ठीक है चले जाओ भाई, चले जाओ मथुरा घूमाओ, वहाँ से प्रसाद ले आना मेरे लिए, क्या लेके आओगे। और गाइस हाँ यार देखो ये गुस्सा हो गई थी तो हाँ, एक ट्रिक और है, अगर वाइफ गुस्सा हो जाए तो उसको मनाने की, वो ट्रिक ये है कि जो वाइफ को ज़्यादा पसंद हो खाने पीने में वो उसके लिए ज़रूर लेके आए, तो शायद वाइफ मान सकती है। जो मैंने किया है आप भी करना ट्राई, ठीक है गाइस देखते हैं। मैं इसके लिए इसकी फेवरेट ये चिप्स बहुत खाती है तो चिप्स लेकर आया था, अभी मैं गया था पार्क इसमें, और इसकी फेवरेट चॉकलेट किटकैट वो लेकर आया हूँ। फोन पकड़ लो यार, पकड़ लो यार अभी, इसलिए अब तो मान जाओ, अब भी नहीं मानूंगा। देखो गाइस मैंने मैंने ये बोल दिया चले जाओ ठीक है, मैं इसके लिए इसकी फेवरेट चीज़ लेके आ गया, फिर भी गुस्सा है, अब क्या कर रहे हैं, अब करेजा निकाल के धर रहे हैं क्या? गाइस एक बात और है यार, इतना भी मतलब कि मुझे नहीं चाहिए। अरे ले लो ले लो, अरे मान जा, मुझे पता है मन में तो खूब लड्डू फूट रहे हैं चॉकलेट देख के, अभी खा लोगी चुपचाप जाई ठीक है, अभी जो मना कर रहा है कैमरे के सामने। गाइस अभी देखो आपके सामने मना कर रही है, कसम खाकर बोल रहा हूँ, ये अभी बाद में एक दो हैं, एक बड़ी एक छोटी है, इतनी सी भी नहीं देगी ये मुझे, धर लो लो। एक दो तीन चार, अरे ये तो लोवर है। सो गाइस ये लोवर है, ये बोल रही थी मुझे लोवर चाहिए है, तो इसके लिए लोवर भी लेकर आया हूँ मैं। अरे और कुछ भी है इसमें, क्या है पकड़ो देखते हैं इसमें क्या है, ये रख लो ठीक है, अभी खा लेना अपना तो। गाइस वाइफ को अगर मनाना है तो उसकी फेवरेट चीज़ लेके आओ, मतलब एक ये ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं इससे मान जाए, ऑप्शन है। और दूसरा ये है कि जो वो बोले वो मान लो, क्योंकि हस्बैंड के पास दूसरा मतलब कोई ऑप्शन होता ही नहीं है इसके सिवा। लो हाँ हम तो सबको परेशान करते ही मैं तुम्हें नहीं कह रहा बहुत करते परेशान ही। करते, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वाइफ को करना है वो नहीं करना तुझे है। नहीं है अगर वाइफ हम हाँ हमेशा तुम्हारी बात माने, अगर एक बात मान लो तो क्या है। हमेशा कब मानती है वाइफ? कौन सी जीत की मैंने, आज बोल भगवान तो के रहा हूँ, लिए तो आज बोल बोल तो रहा जाने हूँ के मत लिए। जाओ तो तुम मान ही नहीं रहा, लेकिन और मैंने तुमसे और क्या मांगा।
कुछ नहीं मांगा। हाँ ये भी लोवर है और ये भी लोवर है। सो गाइस मैं इसलिए लेके आया हूँ ये, ज़्यादा जो भी इसको पसंद आ जाए इसमें से वो ये पहन सकती है। ठीक है, ये रख लेना, जो पसंद आ जाए वो पहन लेना। सो गाइस अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये मानती है या नहीं मानती है, शायद कल तक मान जाए। मैं आपको ये वीडियो इसलिए बनाई है कि हस्बैंड वाइफ में होती रहती हैं छोटी छोटी चीज़ें। सो गाइस अगर ऐसा कुछ भी हो आपके साथ, तो पहले तो यही है कि जो भी हुआ है जिस बात के पीछे उसमें झुक जाओ, जो वाइफ कह रही है मान लो, उसी में भलाई है। और दूसरी चीज़ जो उसको ज़्यादा पसंद हो वो ला के दे दो, तो भी मान सकती है। बस और कुछ नहीं है हमारे हस्बैंड के पास, यही है दो ऑप्शन। कुछ बोलोगे मैडम? कुछ नहीं बोलना, उसे नहीं बोलना कुछ। देखो इतना कुछ कर दिया, हाँ भी बोल दिया चले जाओ, तब भी लेकिन मैं बस। इतनी अच्छी नहीं हूं कि सब भूल जाऊं। तो क्या मतलब, देखो जब बहस होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं, तो हस्बैंड वाइफ से बोलता है, वाइफ हस्बैंड से बोलती है, तो जब हस्बैंड बोल सकता है तो वाइफ क्यों नहीं बोल सकती है भाई? हाँ गलत है ना ये सब चीज़ें। चलो ठीक है जैसा गाइस, बात चलो ये है ठीक ना, ठीक 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 ओके, कोई बात नहीं, वीडियो को ख़त्म कर देंगे। बाकी हम क्यों, जो मैंने उन्हें बताना चाह रहा था वो मैंने बता दिया, बाकी हमारी बातें हम कर लेंगे बाद में। सो गाइस ये वीडियो बनाने का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्यों बनाई है मैंने। सिर्फ अपनी वाइफ को मनाने के लिए। आप भी अपनी वाइफ को ऐसी मनाएं, मान जाए तो अच्छा है, ना माने तो भी अच्छा है, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया। इस यही बेस्ट है, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते वाइफ को मनाने के लिए। बता दो, मान जाओ वीडियो के सामने, कैमरा मतलब कैमरे के सामने मान जाओ। लेकिन मैं जाऊंगी पक्का। ठीक है, ये जाएगी पक्का, चले जाना, कोई बात नहीं। ठीक है, एक बार मम्मी पापा से भी पूछ लेना अगर वो भी, क्योंकि देखो गाइज नई 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 शादी में तो मतलब कि जितना हस्बैंड मतलब होता है इम्पोर्टेंट, उतने मम्मी पापा भी होते हैं। तो नई नई शादी हाँ क्या हमेशा ही, सॉरी उनसे एक पूछो तो, एक मैं कह एक रहे सेकंड एक सेकंड, नई नई नहीं, हमेशा ही मम्मी पापा भी इम्पोर्टेंट होते हैं, हस्बैंड भी होता है। तो अगर एक हम एक समझदार इंसान हैं, तो जितना हम हस्बैंड को इम्पोर्टेंस दें उतनी ही घर वालों को भी दें। सो इसको इनसे अच्छे से पूछना चाहिए, अगर वो एग्री करते हैं तो ये जा सकती है, मेरी तरफ से तो अलाउ है, जा सकती है। ठीक है गाइस, और अगर तुम ही कह दे हो तो, कि तुम बोल रही हो ऐसी। अब आप बताओ गाइस, जैसे इसको जाना है, अगर मैं उनसे पूछूंगा तो सही रहेगा? नहीं रहेगा ना, ये खुद नहीं, पूछेगी तुम ये बोल दो कि तुम मना कर दियो मैं घर। क्यों, मैंने तो इस टॉपिक में कोई बात ही नहीं की, मैं तो यहाँ हूँ, जाओ अभी पूछाओ तुम। ठीक है गाइस, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि हाँ ये जो भी आइडिया है वाइफ को मनाने के ये सही है। और अगर आप आपके माइंड में भी कोई आइडिया है वाइफ को मनाने का, तो आप कमेंट करके बता दें वो आइडिया, जिससे कि मैं इसको अभी तो नहीं मानी, आगे मना लूँ कमेंट पढ़ के। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, हमारी डायरेक्ट वीडियो का डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे न्यू चैनल अभी यादव व्लॉग्स को सपोर्ट करें, वहाँ भी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहती हैं हमारी। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके कोई भी सवाल आपको पूछना है तो वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं, इंस्टा पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखा करो, अपनी फैमिली का ख्याल रखा करो, ख़ास तौर पे वाइफ का। बाय बाय, बाय बाय तो बोल दो कम से कम, बाय बोल दो, बाय बाय।